उन्नी मुकुंदन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का काफी यंग एक्टर है, जिन्होंने मलयालम के साथ ही साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और उन्हीं ने 2011 से शुरू करके अभी तक के कुछ सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन्नी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप उन्नी का फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, सीदन। ये 2011 का तमिल ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 2, बॉम्बे मार्च 12। ये 2011 का ड्रामा फिल्म है और इसमें मेगा स्टार मामूती उन्नी मुकुंदन रोमा लीड रोल में है और इसका स्टोरी 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट पर बेस्ड है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 3, बैंकॉक समर। ये 2011 का फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 4, थलसमियम ओरू पेन कुत्ती। ये 2012 का सैटिरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 5, मल्लू सिंह। ये 2012 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें उन्नी कुंचा को भुवन बीजू लीड रोल में है। इसमें आनी ने कैसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड हारी को 7 साल के बाद ढूंढने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और ये फिल्म सेम हिट साबित हुई। नंबर 6, आई लव मी। ये 2012 का थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 7, इथु पथिरामानल। ये 2013 का एक्शन फिल्म है और इसमें उन्नी लीड रोल में है, कैसे अपनी माँ का मर्डर का रिवेंज लेने के लिए फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है और इसमें काफी एक्शन सीन नजर आई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। नंबर 8, ओडिशा। ये 2013 का फिल्म है और इसमें उन्नी मुकुंदन सनी का लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 9, डी कंपनी। ये 2013 का एक्शन फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 10, विक्रमादित्यन। ये 2014 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें दुलकर सलमान उन्नी मुकुंदन लीड रोल में है। इसमें आदित्यन पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कैसे विक्रमान से मुकाबला करते हुए इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 11, फायरमैन। ये 2015 का थ्रिलर फिल्म है और इसमें मेगा स्टार मामूती नायलार उन्नी लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 12, साम्राज्यम 2 सन ऑफ अलेक्जेंडर। ये 2015 का गैंगस्टर फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 13, KL-10 पथु। ये 2015 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें उन्नी मुकुंदन चंदिनी लीड रोल में है। इसमें अहमद और शादिया के बीच में प्यार है और दोनों ने सीक्रेटली शादी करने के बाद कैसे मुसीबत में पड़ जाते हैं वही इसमें दिखाई है और इसमें उनको काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 14, स्टाइल। ये 2016 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें उन्नी टॉबिना थॉमस लीड रोल में है। इसमें यंग मैकेनिक टॉम और एक रिच बिजनेसमैन एडगार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 15, कत्तुम माझीयुम। ये अनरियलिस्ट फिल्म है और इसमें मीरा नंदन इर्शाद उन्नी लीड रोल में है और टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये फिल्म रिलीज होने में डिले हो रही है। नंबर 16, ओरू मुराई वंथु पार्थिया। ये 2016 का फिल्म है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 17, जनाथा गैरेज। ये 2016 का तेलुगु एक्शन फिल्म है और इसमें कॉम्पिट एक्टर मोहनलाल जूनियर एनटीआर समंता उन्नी लीड रोल में है। इसमें आनंद और उनका गैरेज वर्कर्स ने मिलकर कैसे लोकल गुंडों के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है और ये फिल्म 2016 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म रहा और इसका बजट था 45 करोड़। इंडियन कलेक्शन रहा 120 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 135 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 18, आचार्यंस। ये 2007 का कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और इसमें जयराम उन्नी लीड रोल में है। इसमें एक फैमिली का मेंबर्स ने मिलकर एक जर्नी पर निकलते हैं और रास्ते पे दो लड़की से मिलते हैं पर बाद में खतरे में पड़ जाते हैं जब उसमें से एक लड़की की डेथ होते हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। नंबर 19, अवरुदे रेवकल। ये 2007 का फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 20, क्लाइंट। ये 2007 का बायोग्राफिकल फिल्म है और इसमें उन्नी मुकुंदन लीना लीड रोल में है और इसका स्टोरी एडमंड थॉमस क्लाइंट पर बेस्ड है जो अपने 7 साल की लाइफ में टोटल 25,000 पेंटिंग्स किया है और इसे उनको काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 21, मास्टरपीस। ये 2007 का एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें मेगास्टार मामूती उन्नी मुकुंदन भरलक्ष्मी लीड रोल में है। इसमें एक इंग्लिश प्रोफेसर कॉलेज के लड़कों को बाहर बैटल से रोकते हैं और कॉलेज में डिसिप्लिन लाने के लिए
कोशिश करते हुए इसमें दिख रही है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और इसका बजट था 15 करोड़, बॉक्स ऑफिस का शून्य था 40 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों आप चाहो तो इस फिल्म का डायरेक्टर अजय वासुदेव का बॉक्स ऑफिस का शून्य देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। नंबर 22 भागमती। ये 2018 का तेलुगु हॉरर फिल्म है और इसमें अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक आईएएस ऑफिसर चंचला रेड्डी ने जब एक इंटरोगेशन के लिए एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं तब उसके अंदर कैसे एक आत्मा घुस जाती है वह इसमें दिखाई गई है और इसका बजट था 30 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 70 करोड़ और फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 23 ईरा। ये 2018 का एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें उन्नी लीड रोल में है। इसमें आर्यन को जब एक झूठा मर्डर के एंजियो में फंसा जाता है तब कैसे उसका लाइफ में एक टर्न आता है वह इसमें दिखाई है और इसका बजट था 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 10 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 24 चाणक्या थानथ्रम। ये 2018 का थ्रिलर फिल्म है और इसमें उन्नी मुकुंदन शिवादा लीड रोल में है। इसमें एक यंग क्रिमिनोलॉजिस्ट कैसे एक मिस्टीरियस मास्टरमाइंड के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई है और इसका स्टोरी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 25 मिखाइल। ये 2019 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें निविन पाले लीड रोल में है। इसमें एक बिजनेसमैन अपने भाई का मर्डर का रिवेंज लेने के लिए एक लड़की को सुइसाइड करने में मजबूर करते हैं पर बाद में डॉक्टर मिखाइल ने कैसे इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 26 ममनगम। ये 2019 का प्योर एक्शन फिल्म है और इसमें मेगा स्टार मामूती अच्युतन और उन्नी लीड रोल में है। इसमें कैसर वॉरियर्स इंडियन के डिफरेंट पार्ट से आकर अपने अपने स्किल दिखाते हैं और इसका बजट था 50 करोड़, इंडियन का शून्य है 32 करोड़, बजट का शून्य 130 करोड़ और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 27 मेपदियन। ये अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें उन्नी श्रीनिवासन लीड रोल में है और इसकी स्टोरी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड होगा और इसमें काफी थ्रिलिंग ट्विस्ट नजर आएंगे। नंबर 28 एंथोरू वग्याम। ये अपकमिंग ड्रामा फिल्म है और इसमें उन्नी मुकुंदन निक्की गलरानी लीड रोल में है और इसमें एक प्यार कहानी से जुड़ा कर काफी ड्रामेटिक वे से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी अपकमिंग फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको इंतजार रहेगा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा उन्नी मुकुंदन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस तरह के बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।